करने का पावर नहीं है। प्रस्ताव जाएगा, आप रिपोर्ट दीजिएगा ना सर, ये चीज पास है। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा में बोल दीजिएगा, हमने कैसे क्वेश्चन पेपर का वो जो प्रिंट आउट। बीते दिन दीपनगर थाना इलाके के बिजवान पर मां अंबे कंप्यूटर सेंटर में चल रहे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड के कंप्यूटर की परीक्षा के दौरान भारी अनियमितता बरते जाने से भड़के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। यहाँ पर बीएससीबी का परीक्षा हो रहा था। ये सेंटर माँ अम्बे कंप्यूटर सेंटर है बिहार शरीफ का। यहाँ पर दूसरे शिफ्ट में जो 12 बजे से 2:30 बजे तक था, वहाँ पर कुछ ऐसे परीक्षार्थी पाए गए जो कि अपने क्वेश्चंस को प्रिंट आउट करके लिख कर अंदर आराम से दे रहे थे, और उसके बाद वो क्या कर रहे थे कि प्रिंट आउट को लिख कर दे रहे थे, दूसरे बाद विद्यार्थी इसी तरह पकड़ाए, फिर तीसरे विद्यार्थी पकड़ाए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो कि परीक्षा को देने के दौरान तो बीच में तो उठेंगे नहीं, तो वो क्या किए, वो पहले परीक्षा को समझ रहे थे कि हो क्या रहा है। इसी दौरान बहुत हल्ला गुल्ला होने लगा और कई विद्यार्थी ऐसे थे कि जो प्रिंट आउट और ये सब लेकर चले गए थे। यहाँ अब ये मालूम नहीं कि सेंटर का इसमें अब मिली भगत है या क्या मिली भगत है, ये तो नहीं मालूम। हम लोगों को बिना संज्ञान में लिए हुए यहाँ पर ये हो रहा है कि उन बच्चों को निकाल दिया गया, और हम लोग जो कि इतने दिनों तक पढ़ाई करके प्रयास करके उतने दूर दूर से आते हैं, 100-100 किलोमीटर दूर से आते हैं परीक्षा देने के लिए, वो परेशान होते हैं। और हम लोग इस कोरोना काल में, जबकि मालूम है कि संक्रमण फैल सकता है एक साथ इतने लोग होने के बाद, और हम लोग जान खेल कर आखिर क्यों इस बात को रख रहे हैं। हमारा बस यही कहना है कि इस तरह की चीज़ें कब तक होंगी। क्या मामला है? देखिए, क्वेश्चन लीक होने के बाद की पुष्टि नहीं हो रही है। ये तीन पेपर एक टेबल के नीचे से मिले हैं। इन तीन पेपर्स पर क्वेश्चन के जवाब हैं। जो क्वेश्चन इसमें है वो कंप्यूटर पर भी वही क्वेश्चन हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि 5 मिनट पहले कई सीरीज के क्वेश्चन को किसी एक कंप्यूटर को डाला जाता है। कोई ये मैनेज नहीं कर सकता है। और क्वेश्चन वहाँ भी जहाँ से ये लिंक खुलता है वहाँ भी किसी को पता नहीं रहता है कि किसको कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए ये संभावना नहीं है। लेकिन नालंदा के बैन थाना क्षेत्र इलाके के आरावा गांव के समीप बीते दिन मोटरसाइकिल से जा रहे पति पत्नी को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे पत्नी सुलेखा देवी की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पति बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के संबंध में जख्मी पति ने बताया कि वह नूरसराय से अपने पत्नी के साथ बैंक के काम को समाप्त कर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रामा गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में मोटरसाइकिल आ गई और पत्नी ट्रैक्टर के नीचे दब गई, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और घायल पति छोटू चौहान का इलाज बिहार शरीफ अस्पताल में चल रहा है। हम घर जा रहे थे, उधर से ट्रैक्टर आया, मार दिया झटका, तो हम फेंका दिए। तो मेरा बीवी था, उसका पर दब गया, चक्का से दब गया। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या चीज जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे घर। अच्छा। गए थे नूरसराय पैसा निकालने के लिए। अच्छा। तो पैसा बोले कि कल आना, जे कल कर देंगे, पैसा निकल जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है, जे कल आएंगे। तो कहाँ पे घटना घटा, क्या चीज़ ठोका मारा गया? ट्रैक्टर से। पत्नी की मौत हो गई है? हाँ। किनकी मौत हुई है? पत्नी के। घायल कौन हुए हैं? घायल हम। क्या नाम हुआ आपका? छोटू चौहान। पत्नी का नाम? सुलेखा देवी।